बेटी की तुलना उनकी नजरों में कुछ है और बहू की तुलना उनकी नजरों में कुछ और है। बेटी आकर वहां पर बैठ जाए, सास खड़ी रहे, तो ना सास को बुरा लगेगा, ना बेटी को बुरा लगेगा, ना समाज को बुरा लगेगा। जो और लोग हैं ना, उन लोगों ने भर दिया, अरे आपका दर्जा घट गया, वो तो सास बन गई, वो तो बहू बन गई। मुझे इसी छोटी छोटी सोच में ना यानी तरस आता है लोगों की सोच पर, क्या सिस्टम, क्या जमाना, क्या ससुराल, क्या लोग। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो बनाई थी कल, मैंने लेट एडिटिंग की थी। कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, समझ ही लो परेशानी थी। मेरी तबीयत 3 दिन हो गए ठीक नहीं है, तो बहुत लोग, मैंने बोला था ना कि मैं वीडियो पर बताऊंगी कि मुझे हेट कमेंट्स आते हैं तो उनका जवाब दूंगी, तो कई लोगों ने एक ही शख्स को पकड़ा है, बट मुझे मेरा भी इशारा वहीं था जो मैं बोल रही थी, बट जाने दो। मैं फिर वीडियो शूट रखा है, मैं कभी और इसका जिक्र करूंगी। आज मैं आप लोगों को अपने मन की बात बताऊंगी, है ना। मन की बात ऐसी, बहुत दिन से मैंने थोड़ा सा, अगर आप लोगों को मन की बात बता दो ना तो दिल हल्का हो जाता है। तो आज मैं मन की बात बताऊंगी कि मेरे अभी मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। सच बताऊं तो मैं तंग आ चुकी हूँ, मेरा दम घुट रहा है ऐसा जीवन से। 2 महीने हुए हैं ये जीवन, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा आएगा दिन और मेरा अब दम घुटने लगा है। कहीं दूर शांत जगह जाने का मन करता है, शांत, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ कहीं दूर। मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है ऐसे रहने का। मैं और समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा आगे क्या नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता रहता है कि आज हम अच्छे से बात कर रहे हैं, आगे हमारे साथ क्या हो जाए। किसी को कुछ नहीं पता होता है हमारी लाइफ में क्या है, पर अच्छा है जो भी है। हमारी यादें हमारे YouTube पर हैं, जो भी है, खुशी के भी पल हैं हमारे चैनल पर, दुख के भी पल हैं हमारे चैनल पर, और जो अभी मैं फेस कर रही हूँ चीज़ें, वो सारी बातें भी आप लोगों से शेयर की मैंने। सारे कुछ पल है, मल्टीपल चैनल हो गया है, दुख सुख मल्टीपल चैनल हो गया मेरा। तो ऐसा जीवन किसी को मंजूर नहीं होता है, पर क्या करे, लाइफ में आ गया। जब वो चेहरा याद आता है ना, बार बार बिल्कुल आउट हो जाती हूँ मैं। कितना ही खुशी का पल हो, अब तो आजकल ऐसा हो गया है कि खुशी के पल में भी वो अंदर से खुशी नहीं होती मुझे, जो अंदर से पहले फील करती थी वो नहीं होती है। मैं जब वो दिन याद करती हूँ ना, 15 तारीख का, और फिर 15 तारीख 16 तारीख को जब मैंने शुक्ला जी को ये हाल में देखा, वो सब कुछ देखकर मुझे बस, क्योंकि शुक्ला जी की थोड़ी ना थी जाने की मर्जी, यहाँ से जाने की मर्जी किसी की नहीं होती है। और मेन चीज़, कई लोग अपनी ज़िंदगी से, जीवन से परेशान होकर क्या क्या कर लेते हैं, पर मेरे शुक्ला जी ने जीने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। बिना नमक का खाना खाया, गर्म पानी सुबह शाम पीते रहे, नीम का काढ़ा शाम को 4 बजे, उनकी पैरों की जो स्वेलिंग थी उनकी सिकाई मैं करूं, नहलाती मैं थी। 1-2 महीने से मैं नहलाने लगी थी उनको, कुर्सी में बैठा कर बाहर के बाहर नहला देती थी।
एकदम से वो सब कुछ याद आता है ना जब, फिर आप लोग बोलते हो कि हिम्मत मत हारो, हिम्मत नहीं हार रही हूँ, बस दम घुटने लगा है इस जीवन से। मुझे अपने जीवन में कुछ मिले या ना मिले मुझे उसका कोई गम नहीं है, पर शुक्ला जी की निशानी जो श्रेया है उसके सपने बस पूरे कर दूं, और सपने पूरे करने के लिए मुझसे अभी जो बन पड़ रहा है वो मैं कर रही हूँ, उसको अच्छा। यानी जैसे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि श्रेया की खुशियों में बस कोई बाधा ना आ पाए। मेरा जो है, मेरी तो हो गई, कट रही है जीवन जिंदगी, पर श्रेया अभी मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों से क्या बातें करूं, क्या बोल दिया मैंने आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एक बज रहा है और अभी मैंने खाना खाने का मन नहीं करता है, तो मैंने खाई है ब्रेड जो रहती है, ब्रेड को तवे में थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको फ्राई किया, और फ्राई करते करते उंगली भी इतनी जल गई। जली कैसे, तवे पर ज़्यादा ऑयल डल गया और मैंने ब्रेड को ऐसे दबाना चाहा तो ब्रेड में छेद था और उंगली तेल में डूब गई, तो ये इतनी उंगली जल गई। एकदम से चिल्लाई मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि जो भी लोग मेरी मदद करना चाहते थे कि आप अपना गूगल पे नंबर दो, फ़ोन पे नंबर दो, तो मैं उनसे और सभी लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो का एड स्किप ना करें, मेरी इसी तरीके से मदद हो पाएगी। प्लीज़ आप लोग इसी तरीके से मेरी हेल्प करिए, एड स्किप ना करें, वीडियो को वॉच करिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प है। बाकी मैं ये चाहती हूँ जो भी करूँ अपने दम पर करूँ, किसी के सामने मुझे हाथ ना फैलाना पड़े। और मैं भगवान से यही बोलती हूँ, एक रोटी कम खा लो पर किसी के सामने हाथ ना फैलाओ, और रो तो भगवान के सामने रो। पर कभी कभी मैं फीकी पड़ जाती हूँ, आप लोगों के सामने भी रो देती हूँ, रोक नहीं पाती हूँ, सिचुएशन ही ऐसी चल रही है, क्या करूँ। ससुराल वाले एक कमेंट आया था कि ससुराल वाले कभी किसी के तो होते ही नहीं है, कमेंट आया था। कई लोगों को ये बात बुरी लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं 100% में से 20% ससुराल वाले अच्छे भी होते हैं, जो अपनी बहुओं को बेटी की तरह रखते हैं, मानते हैं, उन्हें कोई चीज़ में रोक टोक नहीं करते हैं, और ना ही उनको पूरा प्यार देते हैं, बिल्कुल बेटियों की तरह। और कहीं कहीं ससुराल में भेदभाव किया जाता है बेटी और बहू पर, कि बेटी की तुलना उनकी नज़रों में कुछ है और बहू की तुलना उनकी नज़रों में कुछ और है। अगर दो कुर्सियाँ रखी हैं, सास खड़ी हुई है, आप लोग ध्यान से सुनना, दो कुर्सियाँ रखी हुई है, सास खड़ी हुई है, अगर उसी समय बेटी आकर वहाँ पर बैठ जाए, सास खड़ी रहे, तो ना सास को बुरा लगेगा, ना बेटी को बुरा लगेगा, ना समाज को बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी कुर्सी में बैठी है और सास खड़ी हुई है ना? अगर उसी जगह उस कुर्सी में जाकर बहू बैठ जाए और सास खड़ी है, तो उसमें सास को भी बुरा लगेगा, ननंद को भी बुरा लगेगा और समाज को भी बुरा लगेगा। तो ये जो बातें हैं ना, यही सारी चीज़ें
सिस्टम को बिगाड़ कर रखी है, ससुराल वर्ड को खराब करके रखी है। छोटी छोटी सी बातें जो ज़्यादा कायदा मर्यादा ये सब चीज़ें ना बिगाड़ कर रखी हुई है। इसी छोटी छोटी बातों पर ससुराल में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़ा होता है, कभी कभी मजबूरियाँ हो जाती है। ये इंसिडेंस मेरे साथ भी हुआ था, मैं आप लोगों को बताऊंगी क्यों हुआ था। मैं जानबूझ के कुर्सी में नहीं बैठी थी, ठंड थी बहुत, ठंड का समय था, घर के बाहर मेरा निकलना कभी होता नहीं था। आपने देखा, कभी वीडियो पर भी नहीं देखा है कि मैं कभी घर से मेन गेट से, पहली बात तो मेन गेट तरफ जाती ही नहीं थी। हमारे सारे घर के लोग जितने भी थे नहा धोकर इधर उधर धूप सेक कर आ गए। मैं कुर्सी में बैठी ठंड में बाल धुले कि ठिठुर रही थी कुर्सी में बैठे बैठे, उसी समय मेरे सामने मेरी सासू माँ आ गई। सासू माँ आ गई तो मुझे बाद में सासू माँ ने तो नहीं सुनाया क्योंकि वो समझ गई थी, उस समय देख रही थी, बट जो और लोग हैं ना उन लोगों ने भर दिया, अरे आपका दर्जा घट गया, वो तो सास बन गई, वो तो बहू बन गई। मुझे इसी छोटी छोटी सोच में ना यानी तरस आता है लोगों की सोच पर कि ऐसी छोटी छोटी सोच भी रखते हैं। मुझे भी पता है मेरी सासू माँ खड़ी हैं, पर सामने वाले की तकलीफ भी तो समझो। कई बार मेरी वीडियो पे आप लोगों ने सुना होगा कि 12 बजे धूप आती है मेरे घर पर ठंड के समय पर, उस समय उस इंसान की कंडीशन भी समझो कि भैया हो क्या रहा है। क्या सिस्टम, क्या जमाना, क्या ससुराल, क्या लोग।